Ladies and gentlemen, the chief guest of Azadi Parade, General Sayyed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military Chief of Army Staff, will address the audience. Bismillahir Rahmanir Rahim. Commandant, Pakistan Military Academy. Qabil-e Qadr, Mehmanane Garami, Khawateen o Hazrat, aur is parade mein maujood Purazm Cadets. Assalamu Alaikum. Pakistan ke Yom-e Azadi ke azim mauqe par main aap tamam ko dil ki gehraiyon se mubarakbad pesh karta hoon. ये लम्हात खुशी मनाने के साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने के भी हैं कि उस ज़ात बारी ताला ने हमें पाकिस्तान की सूरत में आज़ादी की अजीम नेमत से नवाजा और हौसला हिम्मत और ताकत अता की कि हम न सिर्फ इस ममलकत खुदादाद का दिफा कर सकें बल्कि इस मुसलमा हकीकत को आने वाली नस्लों के लिए एक कामयाब और अजीम मिसाल बना सकें। ख्वातीन व हज़रात, हमारे कौमी शऊर की बुनियाद नज़रिया पाकिस्तान है जो दो कौमी नज़रिया पर मबनी है। इस तारीखी और दायमी नज़रिए ने बरे सगीर के मुसलमानों को एक अलहदा शनाख्त सकाफत और तहजीब कायम करने का मौका फराहम किया। क़याम पाकिस्तान का मकसद महज एक जुग्राफियाई खित्ते का हसूल न था बल्कि एक ऐसी फलाही रियासत का क़याम था जहाँ इस्लाम के सुनहरी असूलों की बुनियाद पर मुआशरा अमन व सलामती और अफवाम व तफहीम से मुसलमानों और उस इसमें मौजूद तमाम तर दूसरे मजाहब के लोगों को आज़ादी और तहफ़ मुयस्सर कर सके। आज़ादी पाकिस्तान अलामा मोहम्मद इकबाल की मुदब्बराना सोच, कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह की अजीम क़ियादत और बरे सगीर के लाखों मुसलमानों की बेलौस क़ुरबानियों का समर है। ये मुल्क न सिर्फ कायम रहने बल्कि दुनियाए आलम में नुमाया मुकाम हासिल करने के लिए मार्ज वजूद में आया। इसी मुनासबत से कायद आज़म के तारीखी अल्फाज इंतहाई अहम हैं जो कि मैं दोहराता हूँ। वी हैव अनडाउटली अचीव्ड पाकिस्तान एंड दैट टू विदाउट वॉर, प्रैक्टिकली पीसफुली, बाय मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल फोर्स and with the power of the pen, which is no less mightier than that of the sword, and so our righteous cause has triumphed. Are we now going to despair and tarnish this greatest achievement for which there is no parallel in the history of the world? Pakistan is now a fait accompli, and it can never be undone. Besides, it was the only just, honorable, and practical solution of the most complex constitutional problem of this great subcontinent. Let us now plan to build and reconstruct and regenerate our great nation. Khawateen o Hazrat, hamare buzurgon ne apne judagana tashakkhus ke hasool ki khatir हिजरत की सऊबतें बर्दाश्त की और बेशुमार कुर्बानियाँ दीं। आज के दिन हम तहरीक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान को खराज अकीदत पेश करने के साथ साथ उन शहदा गाजियों और लवाहिकीन को भी सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इन कुर्बानियों की बिना पर आज़ादी के परचम को हमेशा सरबुलंद रखा। बिलाशुबा आज हमारा इन आज़ाद फ़जाओं में ज़िंदगी बसर करना शहदा की अजीम क़ुरबानियों की मरहून मिन्नत है। जिस तरह क़याम पाकिस्तान के वक्त हमारे अजदाद ने मुतअद्दिद मुश्किलात का सामना किया, इसी तरह हमने अपने इर्तकाई दौर में
खास तौर पर माजी करीब में मुतअद्दिद चैलेंजेस का बखूबी मुकाबला किया। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी मुश्किल ने हमारे अज़्म और इरादे को कमज़ोर नहीं किया। तारीखी तौर पर हमारे कौमी जज्बे को हमेशा आजमाइश में तकवीत मिली और हम मिन हैसुल कौम हमेशा हर मुश्किल के बाद और भी ज़्यादा मजबूत बनकर उभरे, जिसमें कौम और अफवाज का बाइमी एतमाद कलीदी रहा है। याद रखें, ना इत्तफाकी और इंतशार मुल्क को अंदर से खोखला करके बैरूनी जारियत के लिए राह हमवार कर देते हैं। कौम का पाक फौज पर गैर मुतजलजल एतमाद हमारा सबसे कीमती असासा है। ये मजबूत रिश्ता मुश्किल हालात में हमारी कुव्वत बनकर हौसलों और जज्बों को बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। मुझे पुख्ता यकीन है कि कोई मनफी कुव्वत एतमाद और मोहब्बत के इस रिश्ते को न कभी कमज़ोर कर सकी है और ना ही आइंदा कर सकेगी। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दफा की कसम खा रखी है, जिसकी आबियारी रोज़ाना की बुनियाद पर वो अपने खून से कर रही है। हम किसी भी सूरत और किसी भी कीमत पर अपनी कुर्बानियों को रायगां नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह। ख्वातीनों हज़रात, आलमी और इलाकाई सतह पर तेज़ी से तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, जिनकी रफ्तार और नौईयत गैर मामूली है। इन तब्दीलियों से कतअ नज़र पाकिस्तान का मुकाम हर दौर में न सिर्फ खित्ते और मुस्लिम उम्मा में बल्कि बैनुल अक्वामी सतह पर भी इंतहाई अहमियत का हामिल रहा है। हम दुनिया में अपनी अमन पसंदी और असूलों पर मबनी मौक़िफ की वजह से एक नुमाया मुकाम रखते हैं। अल्लाह ताला की अता करदा बेपनाह कुदरती वसाइल, जफा का शवाम और हौसला मंद जवानों की बदौलत बिला शुबा पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। बदकिस्मती से हमारे खित्ते में इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के अजाइम रखने वाली कुव्वतें सरगर्म अमल हैं। अवाम, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दी का कामयाबी से मुकाबला किया है और न सिर्फ लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं बल्कि आने वाले वक्तों में भी किसी कुर्बानी से दरेख ना करने का मुसम्मम और गैर मुतजलजल इरादा रखते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मुकम्मल यकसुई के साथ इख्तियार की जाने वाली कसीरुल जोहती हिकमत अमली, अज़्म इस्तेहकाम, कौमी अज़्म का इस्तारा, सलामती की ज़ामिन और वक्त का अहम तकाजा है। आज हमारे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बिलखसूस फितना अल खारिज अल मारूफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान की रियासत और शरीयत मुखालिफ कार्रवाइयों की वजह से दहशतगर्दी के फितने ने दोबारा सर उठाया है, जिसकी सरकोबी के लिए अफवाज पाकिस्तान और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे हुमा वक्त बरसरे पेकार हैं। इसी फितने के बारे में चंद दिन पहले उल्मा व मशायख कराम से बात करते हुए मैंने कहा था कि अगर तुम शरीयत इस्लाम को नहीं मानते, आईन पाकिस्तान को नहीं मानते, तो हम भी तुम्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ख़ास तौर पर हमारे पख्तून भाइयों ने जुर्रत, इशार और कुर्बानियों की जो लाजवाल दास्तान रकम की है, उस पर पूरी कौम उन्हें सलाम पेश करती है। और जिस तरह फसाद फिल अर्ज को फैलाने वाली तागूती कुव्वतों के सामने अफवाज पाकिस्तान बशमूल तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बिशाना खैबर पख्तूनख्वा के अवाम एक सीसा पलाई हुई दीवार की मानिंद पिछले 22 साल से खड़े हैं, उसके लिए पूरी पाकिस्तानी कौम आपकी मरहून एहसान है। मैं पाकिस्तान और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम को अल्लाह के अहकामात की रोशनी में यकीन दिलाता हूँ
कि आप फसाद फिल अर्ज के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, जिसमें अल्लाह के वादों के मुताबिक फतह इंशाअल्लाह हमारी होगी। कुरान में सूरह माईदा की आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसअऊन फिल अर्ज़ फसादन अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ऊ मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फिद दुनिया व लहुम फिल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। और इसका तर्जमा है, बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फसाद अंगेज़ी करते हैं, उनकी सज़ा यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं, या सूली चढ़ा दिए जाएं, या काट दिए जाएं उनके हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से, या निकाल दिए जाएं वो अपने मुल्क से। ये उनके लिए रुसवाई है दुनिया में और उनके लिए आखिरत में अज़ाब अज़ीम है। और सूरह माईदा की आयत 56 में अल्लाह ताला फरमाता है, और ये जंग जो उसके रास्ते में लड़ रहे होते हैं उनको फतह की नवीद देता है, फ़इन्ना हिज़्बल्लाही हुमुल ग़ालिबून, बेशक अल्लाह की जमात ही गालिब रहेगी। और सूरह आले इमरान आयत नंबर 139-140 जिसमें अल्लाह ताला ने ना सिर्फ फतह के बारे में बताया है, ये भी कहा है कि मायूसी नहीं दिखानी इस जंग के अंदर। अल्लाह ताला ने फरमाया है, वला तहिनू वला तहज़नू वअंतुमुल आलऊना इन कुंतुम मोमिनीन इन यमसस्कुम क़र्हुन फ़क़द मस्सल क़ौम क़र्हुम मिस्लु वतिल्कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास। और इसका तर्जमा है, और कमज़ोर न पड़ो और गम न करो, तुम ही गालिब होगे अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम्हें ज़ख्म लगे हैं तो तुम्हारे मुखालिफ भी तो ऐसे ही ज़ख्मी हुए हैं। हम दिनों को लोगों के दरमियान बदलते रहते हैं, इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर भाइयों, बहनों, जवानों, अल्लाह की बाबरकत ज़ात और पूरी कौम आपके साथ है, और बहुत जल्द अल्लाह करीम हम सबको फतेह मुबीन अता करेगा इंशाअल्लाह। यहाँ पर मैं सूबह बलूचिस्तान का जिक्र करना भी लाजिम समझता हूँ, जो ना सिर्फ बहादुर और हुब्बुल वतन लोगों का मस्कन है बल्कि कुदरती वसाइल से मालामाल है। तहम चंद अनासर जो इसे गैर मुस्तहकम करने के दर पे हैं, उनको जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने की इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी। और पाक फ़ौज, हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत बलूचिस्तान के तआवुन से इस सूबे और इसकी गयूर अवाम की सालमियत और फलाह बहबूद के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करती रहेगी। ख़वातीन हज़रात, अफ़गानिस्तान हमारा ब्रादर हमसाया इस्लामी मुल्क है, जिसके लिए पाकिस्तान और उसकी अवाम ने अनगिनत कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी दौरे हाजिर में कोई नज़ीर नहीं मिलती। हम अफ़गानिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रखने के ख्वाहां हैं, और उनके लिए हमारा पैगाम है कि फितना अल ख्वारिज को अपने दरीना, खैर ख्वाह और ब्रादर हमसाया मुल्क पर तरजीह न दें, और इस फितना के कला कुमा करने में हमारा साथ दें, जैसा कि पाकिस्तान ने हमेशा आपका साथ दिया है। ख्वातीन व हज़रात, पिछले चंद सालों से रियासत मुखालिफ बैनूनी ताकतों की सरपरस्ती में डिजिटल दहशतगर्दी की मज़मून कोशिश की जा रही है, जिसका मकसद झूठी खबरों और प्रोपगंडे के ज़रिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। तो इस डिजिटल दहशतगर्दी के बारे में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है, सूरह अल हुजरात आयत नंबर 6, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबईन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। मोमिनों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो खूब तहकीक कर लिया करो,
ताकि लोगों को बेजा ईज़ा न दे बैठो, फिर अपने किए पर पछताते रह जाओ। पाकिस्तान में आज़ादी इजहार राय यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आईन इजाज़त ज़रूर देता है, मगर आईने पाकिस्तान ने इसकी वाज़ हद बंदी भी कर रखी है। अलामा मोहम्मद इकबाल ने इसे कुछ यूं बयान किया, आज़ादी अफकार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फिक्र तदब्बुर का सलीका। हो फिक्र अगर खाम तो आज़ादी अफकार इंसान को हैवान बनाने का तरीका। मैं यहाँ ये भी बावर कराना चाहता हूँ कि रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश करने वाले अनासर को मायूसी के सवा कुछ हासिल ना होगा, और इसके नतीजे में वो मज़ीद रुसवाई का शिकार होंगे इंशाअल्लाह। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वी ओ आर ग्रैटिट्यूड टू आर प्रेशियस फ्रेंड्स एंड ब्रदर्स लाइक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, स्टेट ऑफ कतर एंड रिपब्लिक ऑफ तुर्किया फॉर ऑलवेज स्टैंडिंग विद अस ड्यूरिंग थिक एंड थिन एंड एक्सटेंडिंग टू अस एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट whenever needed. Ladies and gentlemen, and to the inimical forces, let it be clear that regardless of the multi-layered and multi-dimensional threat piled up against us, we stand united and reassured. Traditional or non-traditional, dynamic or proactive, whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. We know that freedom is not for free. It costs many brave sons and daughters, and we are always ready for that. I have full faith and confidence that the people of Pakistan and its security forces will never relent and let anyone cast an evil eye on this great country. While we celebrate our independence, let's not forget the abhorrent violation of the basic human rights of our Kashmiri brothers and sisters who continue to yearn for freedom from oppression in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand rock solid with them for their indelible right of self-determination as enshrined in the United Nations resolutions, and reassure our full political, diplomatic and moral support to the valiant people of Kashmir. Ladies and gentlemen, this Independence Day in particular also calls upon us all to realize the gravity of the horrendous genocide, racial slaughter and indiscriminate atrocities being persecuted with impunity by Israel against the helpless people of Gaza. The flagrant disregard to international and humanitarian law is a blemish on world's conscience and rules-based international order. Here, I would appreciate the efforts by the government of Pakistan towards peaceful resolution of the Palestine conflict and for continuous provision of humanitarian aid to the bereaved people of Gaza, and for raising the Palestine issue at every forum in the world. خواتین و حضرات, ہمارے اباؤ اجداد نے یہ ملک قائم کر کے جو امید کی شمع جلائی, ہم اسے کبھی بجھنے نہ دیں گے انشاءاللہ. یاد رکھیں, مایوسی کفر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مایوس ہونے سے منع کیا ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 87, ولا تیسوا من روح اللہ انہ لا ییسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون, جس کا ترجمہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں. ملک کے 65% نوجوانوں کی طرح آپ تمام کیڈٹس کے روشن چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے اس عظیم قوم کے درخشاں مستقبل کی نوید دیتی ہے. نوجوان اپنی شخصیت میں ایمان و یقین کی قوت پیدا کر کے
पाकिस्तान के मुस्तहकम मुस्तकबिल को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान अल्लाह का इनाम है जो इंशाअल्लाह ताअब्द कायम रहने के लिए बना है, और इसके खैर ख्वाह हमेशा जिंदा और जावेद रहेंगे। आखिर में एक बार फिर आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। मैं बेहतरीन टर्नआउट और वतन अजीम को शानदार खराज तहसीन पेश करने पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी और उसके जर्री क्रेडिट्स को सराहता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।